स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर बाइक गुरु चैनल में आने के लिए धन्यवाद। दोस्तों मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं सजीर बाइक गुरु। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों आज आपको बताऊंगा जो हीरो सुपर स्प्लेंडर हो और ग्लैमर हो 125 सीसी मॉडल जो बाइक होती है उसका क्लच असेंबली करके आपको दिखाऊंगा। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में क्लच प्लेट किस तरह से रहना चाहिए और क्लच प्लेट को मैं बताऊंगा जो खराब कौन सा है और अच्छा कौन सा है, ठीक है। और प्रेशर प्लेट को भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से रहना चाहिए। और दो चीज और है, हाउसिंग सेंटर, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यह हाउसिंग सेंटर। तो दोस्तों ये पूरा असेंबली किट का दाम होता है 1400 के आसपास में मिलेगा, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा चीज़ खराब है और कौन सा चीज़ अच्छा है। सबसे बेटर जो होगा मैं वही बताऊंगा, जो अगर शेड लगाने से अच्छा है या आपको अलग अलग से लगाना पड़ता है, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको हॉक्स को पोंछना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा यहाँ स्क्रैच है क्या। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा स्क्रैच हो चुकी है, अगर मैं इसे रख दूंगा और नया क्लच में डाल दूंगा तो जैसे कि एक क्लच प्लेट मैंने यहाँ लगाया, ठीक है। तो लगाने का बाद जब यह बाइक चलेगा तो क्लच प्लेट इसी तरह कट जाएगा। देखो यहाँ दाग दाग हो चुकी है, दाग दाग हो चुकी है। कुछ घंटे तो अच्छा चलेगा लेकिन बाद में पता चलेगा बाइक का जो पिकअप है ताकत नहीं मिल रहा है और एक इसका कारण क्लच प्लेट फिर कट जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये हॉब्स मेरा ख़राब हो चुकी है, इसे मैं नया डाल दूंगा। आपको समझ में नहीं आएगा कितना ख़राब है, हल्का ख़राब है लेकिन ये बहुत बहुत बड़ा बाइक में प्रॉब्लम करेगा क्लच का, ठीक है। अब आते हैं सेंटर को, हम आपको दिखाएंगे सेंटर किस तरह से रहना चाहिए। तो दोस्तों देखो ये सेंटर में भी थोड़ा दाग आ गया है। तो ये किस कारण से आया मैं बता देता हूँ, इसका इंजन ऑयल जो है ठीक से चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। ये इंजन ऑयल का कारण ये हुआ है और ये इसमें दाग आ चुकी है, ठीक है। ये भी चेंज करूँगा। दोस्तों देखो प्रेशर प्लेट इसके अंदर यहाँ बीच में ऐसा घिसन आया, ऐसा ही घिसन आया, थोड़ा माल कट चुकी है। तो क्लच प्लेट का कीमत ज़्यादा है, प्रेशर प्लेट का सेंटर का कीमत ज़्यादा है और इसका कीमत कम है। तो मैं इसे क्यों रखूँ, तो मेरा मतलब है मैं पूरा असेंबली किट ही चेंज कर दूंगा और इसका पूरा झंझट ही ख़त्म हो जाएगा, ये बाइक एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको प्राइस के बारे में बताता हूँ, ठीक है, इस सब का प्राइस क्या क्या है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्लच प्लेट ये जेन्युइन है, हीरो कंपनी का, यहाँ UPI कोड है, ठीक है, और 630 रुपया इसका कीमत है। तो दोस्तों इसमें भी पॉइंट होता है, दो क्लच प्लेट अलग अलग रहता है, ठीक है, इसको दो को दो साइड में रखना चाहिए। देखिए ये क्लच प्लेट अलग है, ठीक है, और इसका नीचे जो है वो भी अलग है, और इस साइड में भी देखिए ये अलग है और बीच में जो है वो भी अलग है। तो इसको 630 रुपये इसका कीमत है, ठीक है। अब आते हैं क्लच हॉब्स पर, ये भी जेन्युइन है, मॉडल 125 सीसी, 330 रुपये इसका कीमत है, ठीक है। और ये सेंटर क्लच सेंटर है ये, और 190 रुपये इसका कीमत है, ये भी जेन्युइन है। अब आते हैं, तो दोस्तों ये है प्रेशर प्लेट, 125 सीसी वाला ही लगाइए, आप एक्सट्रीम का मत लगाइए क्योंकि एक्सट्रीम का जो प्रेशर प्लेट होता है वो मोटा होता है। आपका एक्सट्रीम का जो ग्रुप है एक ही है लेकिन इसमें जो मोटा पतला होता है एक्सट्रीम का मोटा, आपका क्लच नहीं आएगा। गलती से भी एक्सट्रीम का मत लगाइए, हीरो का ही लगाइए। तो इसका कीमत है 180 रुपया, ठीक है, ये प्रेशर प्लेट है। और दोस्तों जब क्लच चैम्बर हम खोलेंगे तो ये क्लच पैकिंग लगता है, ठीक है, इसे आप ओरिजिनल या लोकल जो भी डाल सकता है, जो भी मिले लगा देना, लेकिन ज़रूर लगाना, ये लोकल है, ठीक है, लेकिन इसका 32 रुपये कीमत है और ये बहुत ही काम करेगा। और मैं इसे पहले अच्छा से वॉश कर लिया, उसके बाद मैं शेडिंग करूँगा, ठीक है। मैं बताता हूँ क्लच चैम्बर किस तरह से फिटिंग करें। सबसे पहले ये बूथ लगेगा,
उसके बाद मैंने इसे लगा दिया और हाउसिंग को इस तरह से सेटिंग कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ छोटा वाशर रहेगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाशर। बस मेरा हाउसिंग सेटिंग हो गया। अब मैं क्लच प्लेट हॉब्स ये सब कुछ को डालूंगा, जैसे कि ये मेरा क्लच हॉब्स है और यहाँ क्लच प्लेट है। तो क्लच प्लेट कंपनी ने अलग अलग करके दिया है, मैं इसे एक लगाया और एक प्रेशर प्लेट, ठीक है, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट और फिर प्रेशर प्लेट और ये लास्ट में ये वाला, ठीक है। ये असेंबली हो गया। अब मैं इसे क्लच सेंटर से ऐसे जही में लगा दिया, ये नहीं गया है, ठीक है, यहाँ फाँक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक को घुमाना पड़ेगा, देखो इसे भी नहीं लगता है, ठीक है, सेटिंग नहीं हुआ है। अब क्या करूँगा, बस ये सेटिंग हो गया, देखो ये खाप खाप में बैठ गया और ये आराम से सेटिंग हो जाएगा। तो चलिए मैं बाइक में सेटिंग करता था हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैंने एक बोर्ड लगा लेता हूँ, लगाने के लिए मुझे अच्छा होगा और मेरा ज़्यादा हेल्प होगा। तो मैं इसी तरह से पकड़ रहूँगा और इसके अंदर मैं इसी तरह से घुमाऊँगा और ये बैठ जाएगा, बस आसानी से पूरा बैठ गया है और ये खेलता है, देखो ये खेलना चाहिए। ये मोटा वाशर जो रहता है यहाँ मत लगाइए, यहाँ रहता है, ठीक है। उसके बाद ये कटिंग नट है, इसे लगाएंगे। दोस्तों ये हाउसिंग फुलार मैंने लगाया और यहाँ 19 नंबर कटिंग गुटी है और यहाँ पाइप से टाइट करेंगे। तो देखो पूरा देखा, जैसे कि ऐसे करके फुल टाइट दे देंगे, इसमें फुल टाइट हो गया, ठीक है। अब मैं इसे घुमा के देख लेता हूँ, ये फ्री घूमना चाहिए। अगर ये जाम करेगा तो क्लच नहीं होगा, बाइक का गियर देने से, क्लच दबाने से भी बाइक अटक जाएगा। तो ये मेरा हो गया और मैं सेटिंग करके यहाँ देख लेता हूँ, यह खेल जाएगा कि नहीं। बस ये खेल रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये हाउसिंग सेटिंग हो गया। दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद सबसे पहले वीडियो पाने के लिए हमारा बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो दोस्तों ये मैं नाट, दोस्तों पूरा नाट को मैंने टाइट कर दिया है और हाउसिंग सेटिंग हो चुकी है और मैं लगाऊंगा अभी बैलेंसर, ठीक है। ये बैलेंसर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसको अगर हम थोड़ा ढील रख देंगे तो इंजन में आवाज़ आएगा और ये हटर हटर करेगा। अगर इसे हम नाट को थोड़ा अच्छा से टाइट नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, तो अच्छा से इसको टाइट देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे वाशर दे देता हूँ, उसके बाद ये नट को दे देता हूँ और ये टाइट करूँगा, ठीक है। इसे ज़ोर से मैं टाइट कर रहा हूँ कि कहीं ढीला ना रह जाए, जितना हो सके टाइट देना पड़ेगा। बस ये फुल टाइट हो गया, इसके बाद इस कैप को हम लगा देंगे। बस ये सेटिंग हो गया, अब ये JBD पिनियम तान लेंगे, ठीक है। अब मेरा चेंबर सेटिंग हो गया, क्लच पैकिंग है, क्लच पैकिंग मैंने नया डाल दिया। मैं गलती करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि क्लच पैकिंग का कारण इंजन ऑयल लीक करेगा और इंजन पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इसे पहले थोड़ा वॉश कर लेता हूँ इस चेंबर को, क्योंकि नया इंजन ऑयल डालेंगे।
बस एकदम फ्रेश हो गया है, ठीक है। अब चेंबर को थ्रेडिंग करेंगे, बस ये थ्रेडिंग हो गया और देखो क्लाज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से पता चलेगा चेंबर आ रहा है जा रहा है, एकदम बिल्कुल ठीक सेटिंग है। फुल ड्रेस है, साइलेंसर लगाने से पहले इसे लगाना पड़ेगा, वरना आपका फुल ड्रेस का नाम जो है वो टाइट नहीं दे पाऊंगा और नहीं घुसेगा। तो साइलेंसर लगाने से पहले इसे लगा लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये है क्लच का केबिल है और ये खराब हो चुकी है, तो इस क्लच का केबिल को इस तरह से रखना नहीं चाहिए, नया लगा देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्लच केबिल नया सेटिंग कर लिया है और बिल्कुल क्लच ठीक हो गया है। दोस्तों यह है कैस्ट्रोल एक्टिव, ठीक है, 20W40 है और इसका ग्रेड एकदम बिल्कुल ठीक है, इसका क्वालिटी भी ठीक है, देखो एकदम बढ़िया क्वालिटी है। और मेरे हिसाब से कैस्ट्रोल एक्टिव बहुत अच्छा इंजन ऑयल है और हर कोई बाइक में ये ठीक से चलता है। अगर इस बाइक में हम ज़्यादा से ज़्यादा 2000 किलोमीटर चला लेंगे तो इंजन ऑयल ख़राब नहीं होगा, तो इस इंजन ऑयल को हम भर देते थे, ठीक है। तो इस इंजन ऑयल को हम डाल देंगे। तो दोस्तों इसी तरह बाइक का क्लच, क्लच प्लेट, क्लच सेंटर चेकअप करते हैं और शेडिंग इस तरह से करते हैं, क्योंकि बाइक का जो महंगे बाइक है और क्लच का ऊपर ही बाइक चलता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ और दिखाते रहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो पाने के लिए हमारा बेल आइकन दबाइए और फिर हाजिर होऊंगा अगला वीडियो के साथ। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़े रहिए सजय भाई।